सब्सक्राइब कीजिए स्टार एंड प्रोटेक्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं स्टार एंड प्रोटेक्ट सीएनसी। दोस्तों, आओ सीएनसी के चैप्टर नंबर 31 में आप सबका स्वागत है। आज के इस चैप्टर में हम सीखने वाले G96, G97, G50 और G92 ये चार कोड हैं। जी कोड चैप्टर के जो चैप्टर नंबर 19 से हमने स्टार्ट किए थे सभी चैप्टर, वो आज यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, यानी कि ये चैप्टर हमारा यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो आखिरी के जो चार जी कोड है वो आज हम यहाँ पे सीखने वाले। तो हमारा पहला कोड है G96, कॉन्स्टेंट सरफेस स्पीड। सरफेस स्पीड को ही कटिंग स्पीड कहा जाता है। कटिंग स्पीड का मतलब होता है VC। इसका ये सूत्र है π×d×n/1000। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, ये हमारा जॉब है। मान लीजिए मुझे फेसिंग करना है, टूल जो है वो यहाँ पे आएगा और इसके बाद ये फेसिंग करते हुए नीचे आएगा। जब वो फेसिंग कर रहा है वो, तो सर्कल जो होता है यानी कि डायमीटर, वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं इस प्रकार से, ये देखिए। और सेंटर पे जाने के बाद पूरा वो जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो स्पिंडल स्पीड है वो कटिंग स्पीड के हिसाब से बढ़ना चाहिए, और ये स्पिंडल स्पीड बढ़ने के लिए उसके लिए G96 कोड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरा ये जो डायमीटर है ये 100 डायमीटर है, ओके। तो इसका कटिंग स्पीड यहाँ पे मैं दे देता हूँ 200, और उसको प्रोग्राम में इस्तेमाल करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने प्रोग्राम में डाला हुआ है G96 S200 M03 एंड ऑफ ब्लॉक, यानी कि स्पिंडल सीधा घूमेगा और उसका कटिंग स्पीड होगा 200। 200 का मतलब यहाँ पे होता है 200 मीटर पर मिनट, ये उसका यूनिट है, ठीक है। पहले मैं सूत्र में डालता हूँ π×d×n/1000 VC, ओके। यहाँ पे मुझे VC दिया हुआ है 200/1, पाई का वैल्यू 3.14, जॉब का डायमीटर 100, n यानी कि स्पिंडल स्पीड जो हमें निकालना है, ÷1000। अभी यहाँ पे क्या हुआ देखो, 200×1000/3.14×100=n, यानी कि स्पिंडल स्पीड निकालने के लिए मुझे इसे छेद में लाना पड़ेगा और इसे ऊपर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं उसको डिवाइड करता हूँ, ये देखिए 00 पहले निकाल देता हूँ, कितना बचेगा 200×10 2000, और नीचे कितना होता है 3.14×1 यानी कि 3.14। तो आप अभी निकाल सकते हो इसका स्पीड कितना होता है। तो हमारा जो स्पीड है वो आएगा यहाँ पे 636, इसको यूनिट है RPM 636, ये हमारा यहाँ पे आंसर है। यानी कि जब टूल हमारा 100 डायमीटर को यहाँ पे छुएगा तब हमारा स्पिंडल का जो स्पीड है वो रहेगा 636, ओके। यानी कि इतने RPM से वो घूमेगा वहाँ पे। जैसे जैसे टूल कटिंग करते हुए नीचे आएगा 90 डायमीटर पे, 80 डायमीटर पे, 70 डायमीटर पे या 60 डायमीटर पे, 50 डायमीटर पे, धीरे धीरे सेंटर की तरफ आएगा तो उसका डायमीटर कम होते जाएगा। मान लीजिए कि ये 50 डायमीटर तक पहुंच गया तो उसका RPM कितना रहेगा। तो यहाँ पे मुझे डायमीटर चेंज करना पड़ेगा। मेरा डायमीटर अभी मैं 50 मान रहा हूँ, 50 का मुझे स्पीड निकालना है, तो यहाँ पे मैं 50 को ले लेता, ठीक है। तो इसको अभी डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हमारा RPM जो है वो कितना आया है 1273, ठीक है। तो ये हमारा, ये जो हमारा RPM है वो कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने VC का इस्तेमाल किया, इस वजह से जब हमारा टूल डायमीटर 100 पे था तब हमारा स्पीड था 636, जैसे जैसे टूल कटिंग करते हुए सेंटर की तरफ आ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, डायमीटर कम हो रहा है और RPM यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से अगर आपको बढ़ने वाला RPM चाहिए तो आप इस्तेमाल कर सकते हो G96।
मान लीजिए कि आपको ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ये जो स्पीड अभी यहाँ पे बढ़ते हुए जा रहा है मुझे नहीं चाहिए, मुझे न्यूट्रल चाहिए, यानी कि यहाँ पे भी मुझे आरपीएम मान लीजिए 600 आरपीएम चाहिए, जैसे जैसे टूल नीचे आ रहा है 600 ही रहेगा, सेंटर पे भी मुझे 600 ही चाहिए, तब आपको क्या करना है, तब आपको G96 का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस यहाँ पे डालना है G97, यानी कि प्रोग्राम में डालना है G97 और S के सामने यहाँ पे RPM देना है 600। अगर आप G97 का इस्तेमाल करते हो तो स्पिंडल का जो स्पीड रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, और अगर आप G96 का इस्तेमाल करते हो तो RPM आपका VC के हिसाब से बढ़ता जाएगा। अभी एक्चुअल में क्या हो रहा है एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, दूसरा ये मेरा 100 डायमीटर का सर्कल है, इसको अगर मैं सीधा करता हूं तो ये इतना लंबा हो जाएगा, ठीक है, और मान लीजिए ये मेरा 50 डायमीटर का सर्कल है तो इसको अगर मैं सीधा कर देता हूं तो ये कितना लंबा होगा, इतना लंबा होगा, यानी कि इसके बराबर हाफ होगा। मान लीजिए ये पूरा सर्कल 1 मीटर का हो रहा है 100 डायमीटर का, तो 50 डायमीटर का जो पूरा सर्कल है उसको अगर आप सीधा करते हो तो वो कितना होगा, हाफ मीटर, ओके। तो G96 क्या करता है, इस हाफ मीटर को भी 1 मीटर में कन्वर्ट करता है। इसको अगर 1 मीटर में कन्वर्ट करना है तो स्पीड को यहां पे क्या करना पड़ेगा, 2 गुना से बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए आपके उस एग्जाम्पल में यहां पे स्पीड जो आया था वो 636 था और यहाँ पे जो स्पीड आया था वो उसके बराबर डबल आया था। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपको समझ में आ जाएगा, 100 डायमीटर पे आपका आरपीएम था 636 और 50 डायमीटर पे, यानी कि डायमीटर यहाँ पे आधा हो गया तो स्पीड आपका डबल हो गया, कितना हो गया, 1273। यहाँ से भी आगे जाएंगे, मान लीजिए और डायमीटर मेरा कम होता है 25 होता है तो स्पीड क्या होगा, इससे भी दुगना हो जाएगा, यानी कि हमारा जो स्पीड है वो हो जाएगा 2540, यानी कि इतना स्पीड हो जाएगा। यानी क्या हो रहा है, जैसे जैसे डायमीटर कम होता जा रहा है वैसे यहाँ पे आरपीएम बढ़ रहा है, क्योंकि उसको क्या करना है, 100 डायमीटर पे भी 1 मीटर कटिंग करना है 1 मिनट में, इसका एकक एकक तो आपको मैंने पहले बताया कि 1 मिनट में उसको कटिंग करना है, तो 100 डायमीटर में मान लीजिए उसको 1 मीटर 1 मिनट में कटिंग करना है, 50 डायमीटर में भी उसको 1 मीटर 1 मिनट में कटिंग करना है तो उसके लिए उसको आरपीएम बढ़ाना पड़ेगा, 25 डायमीटर में भी उसको 1 मीटर 1 मिनट में कट करना है तो उसके लिए और आरपीएम बढ़ाना पड़ेगा। इस प्रकार से G96 कोड अपने आप क्या करता है, आरपीएम बढ़ा लेता है, आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये कोड प्रोग्राम में सही से इस्तेमाल करना है। इसके लिए दूसरा जो कोड है G97, दूसरा कोड है G97 न्यूट्रल स्पिंडल स्पीड। ये कोड क्या करता है, अगर आप G96 का इस्तेमाल करते हो, मान लीजिए प्रोग्राम में मैंने इस्तेमाल किया हुआ है G96S200M03, उसके बाद मेरा कटिंग का प्रोग्राम होगा G00 G01 वगैरह वगैरह, इस प्रकार से मैं कटिंग करूंगा, जब मेरा प्रोग्राम मुझे एंड करना है तो सबसे अंत में मुझे ये डालना पड़ेगा G97 क्या करता है तो कैंसिल करता है, कैंसल CSS कमांड, यानी कि G97 ये क्या करेगा, जो आपने CSS यानी कि कांस्टेंट सरफेस स्पीड का कमांड वहां पे एक्टिव किया हुआ वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप प्रोग्राम में ऊपर G96 का इस्तेमाल ही नहीं करते हो, आपने G97 ही यहाँ पे डाला हुआ, कुछ 800 RPM दिया हुआ, तो नीचे आपको G97 देने की जरूरत नहीं है, अगर दिया तो भी कुछ टेंशन नहीं है, अगर नहीं दिया तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे G96 का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप G96 का इस्तेमाल करते हो तो आपको ये कंपलसरी है, ये देना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए ऊपर G96 दिया है, आप साइकिल स्टार्ट करते हो तो प्रोग्राम रन होते आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर G97 नहीं है
तो प्रोग्राम आपका यहाँ पे रुकने वाला है, यहाँ पे मैसेज आएगा कैंसल सीएसएस कमांड, ये आपके स्क्रीन के ऊपर मैसेज वहां पे आने वाला है। मैसेज को निकालने के लिए आपको रिसेट बटन दबाना पड़ेगा, लेकिन जब तक आप प्रोग्राम में G97 कोड डालते नहीं हो तब तक एक बार बार मैसेज वहां पे आता रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रोग्राम में G97 कोड का इस्तेमाल करना। इसके बाद और दो कोड है, G96 G97 के साथ और दो कोड आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे, उसमें है G50 और G92। G50 है मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड लिमिटेशन, और G92 भी है मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड लिमिटेशन। दोनों का मतलब वही है, एक ही काम करते हैं, सिर्फ ये डिफरेंस इतना है कि G50 और G92 फानुक के अलग अलग कंट्रोल में इस्तेमाल किया जाता है, ये भी फानुक में ही इस्तेमाल होता है, ये भी फानुक में ही इस्तेमाल होता है, लेकिन फानुक के किसी कंट्रोल में G50 है, फानुक के दूसरे कंट्रोल में G92 है। जैसे कि मेरे पास अभी फानुक का TF कंट्रोल है तो उसमें मेरा कोड है G50, और फानुक का मेरा TD कंट्रोल है तो उसमें मेरा कोड है G92। ये किसके लिए इस्तेमाल करना है, तो जब आप G96 का इस्तेमाल करते हो तब आपका VC के हिसाब से RPM जो है वो डबल होने वाला है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में देखा था, मैं वापस एक बार दिखा देता हूँ, 100 डायमीटर पे हमारा RPM था 636, डायमीटर हमने 50 कर दिया यानी कि 50 तक टूल आ गया तो हमारा RPM कितना हुआ 1273, 25 डायमीटर पे गया तब हमारा RPM हुआ 2500 लगभग 46, 25 से नीचे आएगा 12 डायमीटर पे तो इससे भी दुगना हो जाएगा, 5000 के ऊपर चला जाएगा, 12 से नीचे आएगा 6 पे तो ये ही 10000 पे चला जाएगा, यानी कि RPM जैसे आपका डायमीटर आधा होते जा रहा है वैसे इधर डबल होते जा रहा है। तो ये अगर 10000 या 5000 के ऊपर चला जाता तो आपके सर्वो मोटर का जो स्पीड का लिमिट है उसे क्रॉस कर देगा और उसमें सर्वो मोटर में आपके प्रॉब्लम आ सकता है। सर्वो मोटर का जो मैक्सिमम स्पीड रहता है वो रहता है 3500 RPM, अगर ये 3500 RPM के ऊपर जाता है तो सर्वो मोटर को प्रॉब्लम आने की आशंका वहां पे रहती है। तो आपको क्या करना है कि ये 3500 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए है मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड लिमिटेशन, यानी कि वहां पे आपको उसको लिमिट देना जरूरी है। तो इसको कैसे देना है प्रोग्राम में देखिए, सबसे पहले आपको डालना है G96, उसके आगे डालना है VC, उसके आगे डालना है कि रोटेशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, और इसी ब्लॉक के नीचे G50 या G92 दोनों में से एक आपका कंट्रोल देख लीजिए कौन सा है, वो कोड वहां पे इस्तेमाल कीजिए, और इसके आगे आपको डालना है मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड लिमिटेशन, यानी कि यहाँ पे अगर मैंने 2000 दे दिया तो इसका मतलब है मेरा जो स्पिंडल स्पीड है वो 2000 RPM पे लॉक हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 25 डायमीटर पे जब टूल आएगा तो मेरा RPM 2500 नहीं होगा, वहां पे होगा 2000, 12 डायमीटर पे जाएगा तो भी 2000 होगा, 6 डायमीटर के ऊपर जाएगा तो भी 2000 होगा, यानी कि एक बार मैंने 2000 RPM को टच कर लिया तो वहां से नीचे की तरफ पूरा RPM मेरा 2000 ही रहेगा, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाएगा, इसीलिए उसको कहते हैं मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड लिमिटेशन, और इस प्रकार से देना जरूरी है नहीं तो आपके सर्वो मोटर को प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये थे हमारे आज के 4 कोड, इसी प्रकार से मैंने पिछले वीडियो में भी बहुत सारे जी कोड आपको सिखाए हुए हैं, मेरे बहुत सारे वीडियो है आप उनको भी देख लीजिए और सभी जी कोड आप सीख लीजिए। ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, मेरा बुक भी अभी लॉन्च हो रहा है, कुछ ही दिनों में बुक आ रहा है, अगर आपको मेरा बुक चाहिए तो प्लीज मुझे कॉल कीजिए, या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना ज्यादा हो सके उतना आप इसको शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।